We have with us a working president of the BRS party, KTR Sir. Sir, first of all, the six MLCs now going to Congress. Are you looking at it as a significant blow to the party? Because you're also saying that uh, this kind of defection, the Congress is also responsible for it as much as is the BJP. No, it is the Congress which is solely responsible in Telangana. The fact is, Milan. इन 1967 सिक्सटी सेवन इन दिस कंट्री द डिफेक्शन कल्चर वॉज स्टार्टेड बाई कांग्रेस जो आया राम गया राम कल्चर की हम बात करते हैं गया लाल जी जब इंडिपेंडेंट जीते और फिर कांग्रेस में शामिल हुए तब से शुरू हो गया ये दौर और बाद में 1985 में एंटी डिफेक्शन लाने वाली पार्टी भी थी कांग्रेस पर आज हंसी मजाक बन गया डिफेक्शन बिल क्योंकि डिफेक्शन लॉ क्योंकि सेम कांग्रेस पार्टी जब उनके हरियाणा में किरण चौधरी जी बीजेपी में शामिल होते हैं तो दे क्राई विक्टिम सेम कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जब उनके छः एम बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट को वोट देते हैं तो देव दे, प्ले द दे विक्टिम कार्ड सेम कांग्रेस पार्टी इन मणिपुर जब एक एम कांग्रेस से जीतता है बीजेपी में शामिल होता है मंत्री बनता है तो उसको लेकर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं सेम कांग्रेस गोवा में शपथ दिलवाती है अपने उम्मीदवारों से कि हम दल नहीं बदलेंगे और सेम कांग्रेस महाराष्ट्र में भी केस लड़ती है पर सेम कांग्रेस आज तेलंगाना में एम को खरीदती है खरीदती है इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कर्नाटक में सिद्धरामय्या जी ने खुद उनका दावा था उनका बयान था कि 50-50 करोड़ देके बीजेपी खरीद रही है अब कर्नाटक तेलंगाना में तो अगल बगल में है तो दाम तो बराबर का होना चाहिए फिर अगर पचास करोड़ बीजेपी दे रही है कर्नाटक में तो तेलंगाना में कांग्रेस भी दे रही होगी जाहिर है तो इसीलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी जो है ये जो हिपोक्रेटिकल अप्रोच उनकी है ये जो डबल स्पीक और डबल स्टैंडर्ड है इसको नेशनल लेवल पे एक्सपोज करने हम यहाँ पे आए हम एक्सप्लोर करेंगे पॉलिटिकल ऑप्शंस, लीगल ऑप्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस और कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे ज़रूरत पड़ा तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के पास इसके बाद लोकसभा स्पीकर राज्यसभा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन हर किसी का दरवाजा खटखटाएंगे साथ ही साथ हर वो कोशिश करेंगे पोलिटिकली ऑल्सो न्याय पत्र में जो कांग्रेस ने बताया था दस शेड्यूल के बारे में क्योंकि ये डिफेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपने साठ के दशक की बात की लेकिन आज भी ये डिफेक्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं नंबर में और सारी ऐसा होता है तो इसको लेकर क्यों आप इस वक्त जो मुद्दा है आप उठा रहे हैं न्याय पत्र में कांग्रेस ने लिखा था इसको यू कॉन्ट रन विद्स आप एक तरफ विक्टिम कार्ड प्ले करते हो दूसरे तरफ आप बदमाशी करते हो ये कहाँ की रीत है अगर आप एक जगह कर्नाटक में आप ये ब, ये कहते हो कि कांग्रेस के एम एल को बीजेपी ले रही है और बगल वाले राज्य में तेलंगाना में आप हमारे एम को ले जाते हो तो क्या हम खामोश बैठे हैं तो इसीलिए हम दिल्ली आए एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि हमारे एम एल एस थर्टी एट उनमें से आज छः सात लोग कांग्रेस में शामिल हो गए उनको तो इमीडिएटली डिस्कवालीफाई करना चाहिए स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का कवर्ड जजमेंट है तो वही रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट का इज्जत नहीं देते हैं स्पीकर सर तेलंगाना में तो हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखट आएंगे ऐसी कौन सी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं जो आपको लगता है जो इस वक्त बीआरएस के साथ आ सकती हैं इस मुद्दे को लेकर जो भी विक्टिम है डिफेक्शन के जो भी विक्टिम है हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के शिकार है विक्टिम है तो उन सबको लेके चलेंगे पर हम तो शुरुआत कर रहे हैं अगर कोई हमारे साथ चला तो चला वरना हम हमारे प्रयास जारी रहेगी आखिरी सवाल में ये पूछना चाहूंगी इस पर कि आपको लग रहा है कि बीआरएस के खिलाफ तेलंगाना में वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है क्योंकि जब आप सरकार में थे तो आप पर भी इस तरीके के लांछन उड़ाए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ वेंडेटा तो इस देश में तो आम हो गया वेपनाइजेशन ऑफ एजेंसी वेपनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ मोदी जी करते हैं वहाँ आज रेवंत रेड्डी जी कर रहे हैं हमारे एम को इंस्टीट्यूशनल अब्यूज किया जाता है उन पे रेड किए जाते हैं डराया जाता है धमकाया जाता है साजिशें हैं बहुत सारे कोशिशें हैं दराने की धमकाने की तो ये तो जारी है ये तो आम बात बन गई आज हिंदुस्तान में और दोनों कांग्रेस और बीजेपी जब उनका दौर था कांग्रेस ने किया आज बीजेपी भी कर रही है तो हम दोनों को दोषी मानते हैं और हम पे अगर आरोप लगे तो अगर आप एक आ, एविडेंस दिखा दीजिए तो ज़रूर उसका उत्तर देंगे एजेंसीज की आपने बात की के कविता अभी भी आ, केस लड़ रहे हैं अपना और उसको देखते हुए भी आ, कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग या फॉरवर्ड मूवमेंट अभी नहीं दिखाई दे रहा है उनके केस को पर्टिकुलरली लेकर पॉलिसी हमारी पार्टी लड़ रही है कविता जी की तरफ से पार्टी लड़ रही है केस और आ, अभी तो हाई कोर्ट में रिजेक्शन हो गया उनका सुप्रीम कोर्ट में भी बेल पिटिशन फाइल करने का है सो so, अभी तो सुप्रीम कोर्ट कल आ, उनकी आफ्टर वेकेशन कल उनकी ओपनिंग हुई है तो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इन द नेक्स्ट वीक और सो will knock the doors of Supreme Court.